हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्यूअर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 6 की। अब इससे पहले भी अपने 5 पार्ट आ चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स को क्लियर कराया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप एक बार उनको भी देख लें, जिससे कि आगे के पार्ट आपको पूरा पूरा समझ में आए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिक नंबर 31 पर। तो इससे पहले अपनी 30 ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। चलिए, तो यहाँ आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मान लो उसने आपको 4 नंबर दे दिए, इस तरह से कोई भी मान लो 4 नंबर उसने दे दिए। अब मान लो वो कहता है कि भाई इनमें से, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी राशि है जो आपकी 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन विद इन 1 सेकंड कैसे कर सकते हैं, ये अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ मैं आपको जो विभाजन के नियम बताऊंगा वो बताऊंगा 2 से 20 तक। तो और लास्ट में मैं एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, जिसमें कि एक ही ट्रिक से आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप इन सब को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने देखा, जैसे लिखा है कि किसी भी संख्या की विभाजकता कैसे ज्ञात करेंगे। विभाजकता का मतलब है कि जैसे हमें कोई राशि दी और कोई संख्या दे दी, तो अब ये चेक करना है कि उस राशि का उस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, और वो भी बिना भाग दिए चेक करना है। क्लियर? क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको भाग दे के चेक करें। तो सबसे पहले स्टार्ट है अपना 2 का नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है, तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आपको यानी पूरा नहीं देखना है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। कैसे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी ने आपको दिया 1728 96, ये आपको दिया है। अब मान लो इसमें कोई कह रहा है कि भाई आप ये बताओगे 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो अगर मान लो आप भाग देने लग जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, ये इकाई का अंक देखना है लास्ट में। अब आप ये देखो 6 जो है वो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 6 2 से विभाजित होता है, इसमें तो सबको ही पता है। तो अगर 6 में 2 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये कि पूरी इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, और ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी ने अपने को इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं। अब इसमें अपने को क्लियर मालूम है कि इसमें लास्ट नंबर कितना आ रहा है, 7, तो जो कि सम नहीं है, है ना। अब यहाँ पर अगर लास्ट नंबर सम नहीं है तो इसका मतलब सीधा है कि अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो पूरी में हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमने ट्रिक से ही इसको समझ लिया है। तो इस तरह से आपको लास्ट अंक को देख के बताना है कि 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलते नेक्स्ट ट्रिक में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि 3 का नियम क्या है। 3 का नियम से मतलब है कि हमें कोई जैसे संख्या दे दी, अब ये कैसे पता चलेगा कि 3 से वो विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे, 3 का जो नियम है वो कुछ इस तरह से है कि आपको जो भी संख्या दी जाए आपको वो अंकों का योग करना है, और अंकों का योग जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और अगर मान लो अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो इस बात का संकेत है कि पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने अपने को दे दिया, यहाँ पर ये कोई राशि दी है, क्लियर। अब वो कहता है ये बताओ भाई कि इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर मैं सबको मान लो ये पूरी राशि में भाग करूँ तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सभी अंकों का योग कर लूँगा। तो आपने देखा ये योग कितना हो रहा है, 7 और 2 9 और 9 18 और 1 19 और 2 21। अब 21 जो है आप जानते हैं कि 3 से विभाजित होता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी राशि भी तीन से क्या हो जाएगी, विभाजित। मान लो अगर किसी ने हमको ये एक क्वेश्चन दे दिया, क्लियर। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये तीन से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको करना है योग। तो आपने देखा कि योग क्या होगा, यहाँ पर 13 और 1 14 और 3 17 और 7 हुआ आपका 24 और 2 26। अब 26 जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीन से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब सीधा है कि अब ये पूरी राशि भी तीन से विभाजित नहीं होगी। आप इसमें भाग दे के चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट नियम है हमारा स्टूडेंट्स चार का नियम। अब इसमें देखते हैं कि चार का नियम क्या है। देखिए, जो भी आपको संख्या दी है, संख्या के जो अंतिम दो अंक हैं, संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी राशि चार से भाज्य होनी चाहिए। अब चाहे उसको आप भाज्य कह दो, चाहे विभाज्य कह दो, चाहे आप विभाजित कह दो, डिवाइड कह दो, ये सब एक ही बात है। तो देखते हैं अब इसमें कैसे हमको चेक करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई राशि ले ली 4913082 16। अब ये राशि किसी ने दे दी कि भाई ये चेक करो कि इसमें चार का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं मान लो इस पूरी राशि में चार का भाग करूं तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी ही कर लेंगे। आप ये देखो कि अंतिम दो अंक कौन से हैं। अंतिम दो अंक हैं इसके 16, और आप ये देखो कि 16 जो है वो क्या चार से कट रहा है। तो चार चौके 16 होते हैं, इसका मतलब ये कट रहा है। और अगर ये 16 चार से कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी राशि जो है वो चार से क्या हो जाएगी, विभाजित। चलिए इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो किसी ने अपने को इस तरह से कोई राशि दे दी कि भाई आपको चेक करना है कि ये चार से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अंतिम दो अंक देखने। तो अंतिम दो अंक कितने, 31। अब जैसा कि आप जानते हैं 31 जो है वो चार से नहीं कटेगा। तो सीधी बात है, जब 31 चार से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी राशि भी चार से नहीं कटेगी, क्लियर। तो ये हुआ अपना चार का नियम। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि यदि लास्ट में दो जीरो आ जाएं तो भी वह राशि चार से भाज्य होगी, क्लियर। तो यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर लास्ट में दो बार जीरो आ जाए तो भी वह राशि 100% चार से भाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर 23475000। अब आप देखते हो ये पूरी राशि में अगर कोई चार से भाग दे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर मान लो लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं तो अब आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपने आप ही 100% चार से विभाजित हो जाएगी, क्लियर। तो इसमें नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं पाँच का नियम कि कोई भी संख्या पाँच से कब भाज्य होती है और कब भाज्य नहीं होती है। देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक पाँच हो तो वह पाँच से भाज्य हो जाएगी, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं, लास्ट में देखना है कि पाँच है कि नहीं। जैसे मान लो किसी ने आपको कोई राशि ले ली, ये मैंने कोई राशि दे दी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये पाँच से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको भाग नहीं देना है, आपको सिर्फ लास्ट में देखना है। तो आप ये देखो कि लास्ट में पाँच आ रहा है, तो इसका मतलब ये राशि 100% पाँच से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2913713 ये कोई मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 3,
तो अब ये बताओ आपके इसमें पाँच से भाग जाएगा? अब नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? पाँच। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने पाँच के नियम में देखा कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक पाँच हो तो वह पाँच से विभाजित हो जाती है। क्लियर। अब लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, एक सिंपल ट्रिक और भी है कि यदि इकाई का अंक ज़ीरो हो तो भी पाँच से भाज्य होगी, यानी इकाई का अंक अगर जीरो भी आ जाए तो भी आपको पाँच से विभाज्य करना है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो किसी ने आपको कोई राशि दे दी 2370, अब इसके लास्ट में जीरो है और आपसे कोई पूछ रहा है ये पाँच से कटेगी तो 100% कटेगी। क्लियर। चलते नेक्स्ट पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना छः का नियम, यानी अब हम देखेंगे कि कोई भी संख्या छः से कब भाग जाएगी और कब उसमें छः का भाग नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि छः जो होता है वो 2 × 3 होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी राशि में 2 का भाग जाएगा और अगर किसी राशि में 3 का भाग जाएगा तो उस राशि में इसका मतलब 6 का भी भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 6 का आपसे पूछा जाए तो 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है, आपको उस संख्या को 2 या 3 से चेक करना है। अब वो कैसे चेक करना, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरह से कोई, ठीक है, अब आपको इसे चेक करना है 6 से। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले स्टेप 1, पहले आप इसे किससे चेक करेंगे, 2 से। तो 2 का नियम क्या था कि लास्ट जो संख्या है वो सम होनी चाहिए, तो लास्ट संख्या सम है क्या? सम है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भाग जा रही है। अब देखते हैं स्टेप इसी क्वेश्चन की सेकंड। अब देखिए आप ये देखो कि अंकों का योग कितना है, यहाँ पर अंकों का योग है 4 और 9 13 और 1 14 और 3 17 और 2 19 और 6 25। अब ये अंकों का योग 3 से विभाजित है? नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का भाग तब जाता जब आपकी जो है ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो जाती, 2 से भी और 3 से भी। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ये कोई राशि, ठीक, अब आपको चेक करना है कि इसमें जो है 3 से ये 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो पहले हम किससे चेक करते हैं, 2 से। तो 2 से चेक करने के लिए आपको लास्ट में देखना है, तो लास्ट वाला अंक सम है, इसका मतलब ये पूरी राशि 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब मैं चेक कर रहा हूँ 3 से, तो आप इन अंकों का योग करेंगे 7 और 2 9 9 और 9 18 और 1 19 और 2 21। क्या ये योग 3 से विभाज्य है? विभाज्य है। तो अगर ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी, तो इसका मतलब ये 100% आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था 6 का नियम। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं 7 के नियम की। अब ये देखते हैं 7 का नियम क्या होता है। नियम कुछ इस तरह से है कि इकाई के अंक का दुगुना करके शेष में से घटाएंगे और प्राप्त मान को 7 से चेक करेंगे। कैसे, इसको देखते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी ने आपको कोई राशि दी 343, ठीक, अब ये आपको मान लो चेक करनी है कि 7 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या था, इकाई के अंक का दुगना करना है, तो इकाई का अंक कौन है, 3, तो 3 का दुगना कर दिया 6। अब कह रहा है शेष में से घटाएंगे, तो शेष कौन है, 34, तो इसमें से इसे घटाएंगे, चलिए ये आपने घटा भी दिया। अब कह रहा है कि प्राप्त मान को 7 से चेक करेंगे, तो प्राप्त मान क्या आया, 28, तो 28 7 से कटता है, 100% कटता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 343 जो है वो 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे कि मान लो मैंने कोई राशि ले ली यहाँ पर, ये कोई राशि मैंने ले ली, क्लियर, अब देखते हैं।
तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, इकाई के अंक का दुगना करना है। तो इकाई का अंक कौन है, सात, इसका दुगना हो गया आपका 14। अब शेष में से घटाना है, शेष क्या है 129, तो इसमें से इसे घटाएंगे। अब 129 में से 14 जाएगा तो ये आएगा 115, क्लियर। तो यहाँ 115 आ रहा है। अब 115 को किससे चेक करना है आपको, सात से चेक करना है। तो आप जब भाग दोगे तो सात से एक बार जा रहा है, बची चार 45, अभी से 45 कट नहीं रहा, तो इसका मतलब सात से ये विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी राशि भी सात से विभाजित नहीं होगी, क्लियर। तो सिंपल रूल है, चलते हैं आठ के नियम। तो यहाँ स्टूडेंट आठ का नियम देखते हैं कि आठ का नियम क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं आठ का नियम कि कोई भी राशि आठ से कब विभाजित होगी और कब नहीं होगी। तो आप रूल देख लें, सामने ही है कि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या, देखिए आपको जो भी संख्या दी हो उसके लास्ट के तीन अंक देखने हैं, क्लियर, आठ से विभाजित होनी चाहिए। आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, लास्ट की संख्या में देना है। और यहाँ अंत में तीन बार जीरो हो, जैसे कि यहाँ अंत में तीन बार जीरो है, तो ऐसी राशि भी आठ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं इसमें रूल क्या है। तो अब ये 512 है, आप देखते हो कि अगर मैं 512 को आठ से विभाजित करूँ तो ये आपका पहले 6 बार जा रहा है और फिर आपका ये 4 बार जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ शेषफल 0 है, इसका मतलब यहाँ ये राशि 8 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट को चेक करते हैं। अब यहाँ एक ऐसी राशि दी हुई है जिसके अंत में तीन बार क्या आ रहा है, 0। तो अभी ट्रिक क्या थी कि अंत में अगर तीन बार 0 है तो वह भी पूरी राशि 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह ये भी आपकी 8 से विभाजित है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लास्ट के तीन अंक हैं 091। अगर मैं इसमें मान लो 8 से डिवाइड करूं तो आप देखेंगे ये पहले एक बार जा रहा है, फिर आपका 11 हो रहा है और शेष आ रहा है 3, जबकि शेष हमारा क्या बचना चाहिए था, 0। तो इसका मतलब सीधा है कि ये लास्ट के जो तीन अंक हैं वो 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पूरी राशि भी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आठ का नियम। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तो यहाँ स्टूडेंट्स है अपना नौ का नियम। नौ का नियम देखिए क्या होता है कि जो संख्या के अंकों का योग है, जैसे आपको कोई संख्या दी हुई है और जो भी संख्या के अंकों का योग है वो हमेशा ध्यान रहे कि वो 9 से चेक करना है, क्लियर, 9 से चेक करना है। तो यहाँ आपने देखा संख्या के अंकों का योग किससे चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने दे दिया इस तरह से कोई नंबर दे दिया, क्लियर। अब वो ये कहता है कि भाई ये चेक करना है आपको कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले इसमें निकालना है योग, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है 2 और 1 3 और 9 12 और 7 19 और 7 26 और 2 28 और 9 हो गया 37। और आप देख सकते हैं ये जो 37 है उसको जब मैं 9 से चेक करूँगा तो 9 से 37 विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी, क्लियर। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई राशि ले ली है मान लो इस तरह से, अब मैं यहाँ भी चलिए पहले योग करके देखता हूँ यहाँ पर, तो ये 4 और 6 10 और 4 14 और 3 17 और 2 19 हो रहा है, और अब 9 से चेक करें तो 19 9 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये पूरी राशि भी 9 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये कोई नंबर ले लिया है, क्लियर। अब हमें चेक क्या करना है कि ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात क्या है कि आपको योग करना है। तो भाई योग करेंगे क्या होगा, 7 और 2 9 और 9 18 और 9 27। अब क्या ये योग 9 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब सीधा है कि अब ये पूरी राशि भी 9 से कट जाएगी, ठीक। चलते हैं अगले नियम पर।
यहाँ स्टूडेंट्स 10 का नियम क्या है, ये नियम बिल्कुल ही सिंपल है, आप राशि को देख के ही बता सकते हो कि ये 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें रूल क्या है कि संख्या के इकाई का जो अंक है वो होना चाहिए 0। कैसे, जैसे मान लो किसी ने आपको कोई राशि दे दी, चाहे वो कितनी भी बड़ी राशि हो सकती है, अब वो ये कह रहा है कि भाई ये 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो 100% होगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मान लो किसी ने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये कुछ इस तरह से दे दिया कि ये 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, अब ये नहीं होगी क्योंकि अब इकाई का जो अंक है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी राशि भी 10 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, अब की बार जो नियम है वो थोड़ा ध्यान से समझने का है। तो 11 से किसी संख्या की विभाजकता का पता कैसे करते हैं, तो वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि संख्या के विषम और सम स्थानों वाले अंकों का योग करना है पहले, ठीक है, और बाद में उन योग जो आएंगे उनको घटाना है, और जो घटाकर प्राप्त मान आए या तो वो 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए, और अगर इन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो वो दी गई राशि 11 से भाज्य नहीं होगी। तो देखते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पर पहले आप सम का योग देखेंगे, सम का योग यानी एक छोड़कर ये है, ये आपके सम का योग हो गया। सम का मतलब सम अंकों से नहीं है, सम का मतलब होता है जैसे मान लो इनके स्थानों को अपन नंबर दें तो नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें सम स्थान कौन से हुए, 2, 4, 6, तो दूसरे चौथे और छठवें नंबर पर जो आएंगे उनको आपको जोड़कर लिखना है, तो ये 2 और 0 2, 2 और 1 हो गया 3। अब यह आपको विषम देखना है, तो विषम आप देख सकते हैं, बचे हुए विषम हो जाएंगे, विषम कौन से होते हैं, 1, 3, 5, तो ये आपका हो गया 1 और 1 2 और 1 3, तो आपका सम भी 3 आ रहा, विषम का भी 3 आ रहा है। अब इनका आपको करना है अंतर, तो 3 और 3 का अंतर क्या हुआ, 0। अब मैंने ऊपर क्या बताया था, प्राप्त मान या तो 0 हो, तो अगर 0 अंतर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राशि आपको दी हुई है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, आप चाहें तो विषम का भी योग पहले कर सकते हैं। कैसे, ये आपने जैसे जोड़ा 5 और 7 12, 12 और 1 आपका हो गया 13। अब जो बचे हुए हैं समस्थान उनका योग कर लीजिए, तो 0, 0 और 2 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, और यहाँ मैं अंतर देख रहा हूँ तो अंतर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 13 में से 2 गया 11। अब आप देख सकते हो ये जो अंतर आया वो 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी राशि भी 11 से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसी में और है, 3, 4, 9, 2, 1, 3, तो इसमें पहले मैं चलिए विषम का योग देखता हूँ क्या होगा। यहाँ पर 3 और 9 12, 12 और 1 आपका हो गया 13, और अब हम देखते हैं सम का योग, सम यानी बचे हुए जो स्थान है, 4 और 2 6 और 3 9, और इनका मैं अंतर कर रहा हूँ तो अंतर आपका हो रहा है 13 में से 9 जाएगा तो 4, और हम जानते हैं कि ये अंतर न तो 0 है और न ये अंतर जो आया है वो 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब अब जो ये राशि है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर, तो स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे 12 के नियम पर। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख रहे हैं 12 का नियम, यानी कोई भी राशि 12 से कब विभाजित होगी और कब नहीं, तो उसको देखते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन दी हुई है कि 12 से वह राशि भाज्य होगी जो पहले 3 और 4 से विभाजित हो। कहने का मतलब सीधा है कि अगर कोई राशि 3 से विभाजित हो रही है और 4 से विभाजित हो रही है तो वो 100% 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको चेक करके देखते हैं। तो पहले मैं इसे चेक करूँगा कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 से मैंने कैसे बताया था कि अंकों का योग करना है, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12 हो रहा है, और 12 आप जानते हैं 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो 3 से नियम क्या था कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटे। अब हम चेक करेंगे इसको 4 से। अब 4 का रूल क्या है कि अंतिम जो 2 अंक हैं उनसे बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए, तो अंतिम 2 अंक क्या हुए यहाँ 44, तो 44 में आप 4 का भाग देंगे 11 बार जाएगा यानी पूरा पूरा कट रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि चार से भी विभाजित है। तो अगर तीन से विभाजित है, चार से विभाजित है, तो अब ये राशि 100% 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 1728, तो यहाँ हमको पहले चेक करना है तीन से, फिर चेक करना है चार से, और बाद में चेक हो जाएगा 12 से। तो कैसे, सबसे पहले तीन से कैसे चेक करते हैं, पहले अंकों का योग निकालेंगे, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18। अब ये जो योग आ रहा 18, क्या ये तीन से विभाजित है, विभाजित है, तो तीन से तो चेक हो गया। चार से कैसे चेक करते हैं, चार से चेक करने के लिए आपको लास्ट के दो अंकों की संख्या देखनी है, वो है 28। अब 28 आप जानते हो चार से कट जाएगी, कट जाएगी, तो इसका मतलब ये राशि भी चार से विभाजित है। अब हम 12 यानी 12 से चेक करेंगे, तो 12 से आप चेक करोगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 से चेक करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपका तीन और चार से चेक हो चुका है, तो अब ये संख्या 100% 12 से भी भाज्य हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने है 13 का नियम। देखिए इसमें चार जो रूल हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका 7 का, एक आपका 13 का, और एक 17 और एक 19। तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में इन चारों को एक ही ट्रिक से करने के तरीके को बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें जिससे कि ये मास्टर ट्रिक आपको समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि 13 का कैसे चेक होगा कि इकाई के अंक का 4 गुना शेष में जोड़ना है और जो भी प्राप्त मान आए उसको 13 से चेक करना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक कौन है, 3। 3 का 4 गुना क्या हुआ, 12, और इसको शेष यानी इसमें जोड़ना है, तो ये 261 में चलिए जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 3 और ये 7 और ये 2। अब इसको किससे चेक करना है, आपको चेक करना है 13 से, तो 13 दूनी 26 बची 1, 13 एकम 13, इसका मतलब ये राशि 13 से कट रही है। तो अगर ये राशि 13 से कट रही है तो इसका मतलब कि ये पूरी राशि भी 13 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर। थोड़ा आपकी बार मैंने बड़ा नंबर लिया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ देखिए आप एक काम और भी कर सकते हो, आपको जैसे मैंने यहाँ कहा कि 13 का भाग दो, आपको फिर भी बड़ा लग रहा है तो आप इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे इकाई का अंक है, इसका 4 गुना कर दीजिए, अब इसे शेष में जोड़ दो, आप शेष में जोड़ा तो ये आपका हो गया 39। अब इसको 13 से चेक कर लो, 13 3 39, तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो, है ना, यानी लास्ट तक भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं आपको इसमें समझा दूंगा। तो आपको इसको किससे चेक करना है, 13 से। तो सबसे पहले इकाई का, तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास एक संख्या है 13039। अब इसमें इकाई के अंक का 4 गुना करना है, तो 9 चौके क्या हुआ, 36। अब शेष में जोड़ना है, 1303 में जोड़ दिया, अब ये आपका जुड़ के आया 1339। अब इसको आपको किससे चेक करना है, 13 से, तो ये बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है, 13 एकम 13 13 3 39, तो ये राशि भी इसका मतलब 13 से 100% कट जाएगी। अगला देखते हैं। अगले में आप देख रहे हो इकाई का अंक है 9। तो इकाई का अंक का मैंने क्या बताया था, 4 गुना करते हैं और ये शेष में जोड़ते हैं, तो 9 चौके 36 और 16 को जोड़ेंगे, क्या हो गया, 52। कैसे आया 52, इकाई का अंक क्या है, 9, उसका 4 गुना हुआ 36, और शेष कौन सी है, शेष है 16, उसमें आपको जोड़ना है इस तरह से। अब इसको आपको करना है 13 से चेक, तो ये तो आप जानते हो 13 चौके 52 होते हैं, तो ये राशि 100% आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि 14 का नियम क्या रहेगा, है ना, तो देखते हैं 14 का नियम क्या होगा। देखिए 14 के नियम में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि आप जानते हो 14 को 2 × 7 लिखा जा सकता है, तो जो संख्या 2 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी वो आपकी 100% 14 से भी कट जाएगी। अब मान लो जैसे यहाँ 2 और 7 का नियम आपको आना चाहिए, तो आप वीडियो में एक बार पीछे जाके देखना, तो मैंने 2 और 7 दोनों के आपको बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जैसे कोई संख्या ले ली, मान लो 196। अब आपको चेक करना है कि ये 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 14 से कटने का नियम ये है कि पहले उसे 2 से कटना होगा, फिर उसे 7 से, तब जाके अपन डिसाइड करेंगे कि वो 14 से विभाजित होगी
या नहीं होगी। तो दो का नियम मैंने क्या बताया था कि जो इकाई का अंक है वो आपका दो से कटना चाहिए। तो दो से अपन छः को काटेंगे, तीन बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये दो का तो इसमें विभाजित हो रहा है। सात से कैसे चेक करते हैं? सात का मैंने आपको सिंपल रूल बताया था कि इकाई के अंक का आपको दुगना करना है, तो छः का दुगना क्या होगा? बारह। और शेष में से घटाना है, शेष क्या? उन्नीस। तो उन्नीस में से बारह घटा सात आया। और अब आपको चेक करना है कि ये सात जो है वो इस सात से विभाजित होगा, 100% होगा। तो सात से सात कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो सात से भी विभाजित हो जाएगी। और जो राशि दो से विभाजित है और सात से विभाजित है तो वो 100% 14 से भी विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मान लो मैंने यहाँ पर एक राशि कोई ले ली इस तरह से, ये 292। अब इसको आपको चेक करना है कि ये 14 से विभाजित है कि नहीं। तो 14 से विभाजित होने के लिए पहले आपको किसे किसे चेक करना है? दो से और सात से, तब जाके आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो दो का तो सिंपल रूल है कि भाई इकाई का अंक सम होना चाहिए, तो ये तो इकाई का अंक सम हो ही रहा है यहाँ पर, तो ये तो आपका इसका मतलब दो से विभाजित है। अब सात से कैसे चेक करते हैं? सात से चेक ऐसे करते हैं कि इकाई के अंक का दुगना करना है, तो ये दो का दुगना हुआ चार, क्लियर। और शेष संख्या यानी इसमें से आपको घटाना है, तो इसमें से ये घटा देंगे, 29 में से चार गया 25। अब आप देख सकते हो कि ये 25 जो है वो सात से विभाजित है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि दो से तो विभाजित है लेकिन सात से विभाजित नहीं है, तो वो 14 से फाइनली विभाजित नहीं होगी, क्लियर। इस तरह से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ स्टूडेंट्स एक रूल है 15 का नियम। अब ये 15 का नियम क्या है देखिए, वो कह रहा है कि जो राशि 3 व 5 से भाज्य होगी वह 15 से भी विभाज्य होगी। कैसे? देखिए कि जैसे मान लो आप जानते हो कि 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, है ना। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो राशि 3 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी वह 15 से विभाज्य होगी, तो हमें पहले किससे चेक करना है? 3 से, बाद में मैं चेक करूँगा 5 से, तब जाके हम डिसीजन लेंगे कि वो 15 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो 3 से आप जानते हो, 3 से विभाजित होने का रूल क्या है कि इन सबको जोड़ना है, 3 और 3 6, 6 और 7 हो गया आपका 13, 13 और 5 हो गया 18। अब 18 जो है वो आप जानते हो 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। अब 5 से कैसे चेक करेंगे? आप ये देखो लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो अगर मैं 5 से चेक करूँ तो 5 से 5 आपका कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा ये। अगर मैं तो अब हम देखते हैं इसको 5 से कैसे चेक करेंगे। तो 5 का मैंने बताया था रूल सिंपल होता है कि इकाई का जो अंक है वो 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, तो ये संख्या भी इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी। और जो राशि 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, वह 100% 15 से भी विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर 225। 225 को कैसे चेक करेंगे भाई? पहले 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये आप देखिए 3 से कैसे चेक होगा। 3 से चेक ऐसे होगा कि पहले आप इसका योग करेंगे, तो इसका आपका योग हो जाएगा, ये 2 और 2 4, 4 और 5 हो गया 9। अब आप देख रहे हो 9 जो है वो 3 से विभाजित है, 100% विभाजित है, तो इसका मतलब कि 9 अगर 3 से विभाजित है तो ये पूरी राशि भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, क्लियर। चलो 3 से तो ये पास आउट हो गई। अब 5 से क्या रूल है कि लास्ट में 5 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, तो इसका मतलब ये राशि 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, तो ये 100% आपकी 15 से भी विभाजित हो जाएगी, क्लियर। जिसमें कि मैंने आपको विभाजकता के नियम बताए 2 से लेके 15 तक, क्लियर। अब मैं आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको 16, 17, 18 और 19, 20 इन 5 संख्याओं के विभाजकता के नियम भी बताऊंगा और एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इन सभी को एक साथ कर सकेंगे। तो ये था स्टूडेंट अपना नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट वीडियो।
ऐसे और वीडियोस और ट्रिक को जानने के लिए आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।